हमारा मेकअप लेके आए थे दुबई से और वो ऐसे ही पैक रखा हुआ था हमने लगा हमें लगा, लगा थोड़ा हाई है तो वो कहीं पार्टी वार्टी में यूज करेंगे तो वो तब खोला ही नहीं उसके yeah, बाद कलर्स आई हैव गर्ल्स वांट यू कैन टेक माइन लोगों को लगता है ना दोनों एक साथ कैसे, कैसे रहते हैं है। बात तो सही पहले बहुत पहले था बट चीज खराब हुई ना तो एक दूसरे के मन में क्योंकि लोगों ने इतना जहर घोल दिया कि तेरी उससे शादी हो रही है तो तेरे को तेरा तेरा पति तेरे से छीन लेगी तुझे क्या मिलेगा और तू उससे शादी करी तू तो कवा है तुझे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे तू किसी शादीशुदा पे क्यों मर रही है तू तो बहुत अच्छी तो है सुंदर है तुझे तो दस लड़के मिल जाएंगे तुझे इसको छोड़ के किसी और से शादी करनी चाहिए इसका तो पति है तुझे हमेशा दबा के रखेगी ये करेगी वो करेगी तू सेकेंड वाइफ है जिंदगी भर तेरे पे थप्पा रहेगा इसको अलग बातें बोली मुझे अलग बातें बोली वो जो चीजें थी ना वो जो माइंड था ना वो हमारा डेढ़ साल ऐसा

तो पायल ने मुझे ड्रॉप करा जब पायल ने मुझे ड्रॉप किया हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ हम दोनों फ्रेंड बन गए फिर कुछ टाइम बाद कहती शॉपिंग करने चले मैंने कहा चलो तो हम गए शॉपिंग करने वहां पे तो हमने सेम शर्ट सेम जींस दो से तीसरा चौथा दिन हमने ना एक शॉपिंग करी दोनों ने मतलब पांच टॉप उसने लिए पांच मैंने लिए सेम फिर उसके बाद ना उसने बोला हम ना सेम कपड़े पहन के मिल घूमने चलेंगे ठीक है हम ऐसे एक बार मिले दो बार मिले तीन बार मिले अब दिल्ली में पालिका बाजार है जनपद है सीमा है हम सब जगह घूमे फर्स्ट टाइम मिले तो ऐसे हमारी ना बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया मेरा कोई दोस्त नहीं था उसका भी कोई दोस्त नहीं था तो फिर उसने मुझे बुलाया चीकू बर्थडे पार्टी में उस टाइम मैं मेकअप का कोर्स सीख रही थी मैं क्योंकि मेरे ना कॉलेज चल रहा था कॉलेज मेरे ख्याल से खत्म हो गया था तो मेरे घर पे मम्मी पापा कहते क्या करना है तो मैंने ना बोला मुझे मेकअप में, में शौक है तो मुझे मेकअप का कोर्स करवा दो सेल्फ वाला कि मैं खुद कर सकूं तो उन्होंने बोला ठीक है तो मैं मेकअप का कोर्स ज्वाइन ही किया था कंप्लीट भी नहीं किया था फिर मैं छह सात दिन में तो शादी हो गई तो ज्वाइन सात दिन में ही कैसे मैं जब इनसे मिली और पूरी स्टोरी चलो बता ही देती हूँ तो फिर पायल से जब मैं मिली तो हम दोस्त बने फिर चीकू के बर्थडे पार्टी में गई तो वहां पे गई तो मैंने वहाँ पे ब्लैक कलर का प्लाजो पहना व्हाइट टॉप पहना मैंने एंट्री मारी एकदम हीरोइन की तरह अंदर सब मुझे देख रहे ठीक है ये भी मुझे देख रहे थे तो मैंने इनको बोला हेलो जीजू ना oh <laughs> हेलो जीजू बोला ठीक है बोल के फिर पायल इन्होंने मेरी फोटो क्लिक करी क्योंकि इनके पास

हमें जाना था देहरादून सुबह आठ बजे तो मैं रात को इनके घर पर आ गई ठीक है को लेने आ गए थे ओह माय गॉड मैं मैं सोच रही मैं क्या बात तो एक तो मिनट में हाईलाइटर लगाना भूल गई हाँ। तो देखा

जब इन इन्हने शादी कर ली तो मैं बताया करी थी भैया ने हाँ तुम्हें तो बताई नहीं थी मुझे बाद में बता मतलब ऐसे ल, बोला था कि मैं तेरी फ्रेंड पसंद है ये है ये वो ये नहीं पता था कि ये शादी करके आया था कि नहीं चल रहा मेरा यार मैं सच बोलूं मेरा कुछ अफेयर नहीं चल रहा था मैं उनसे मिली छह दिन के अंदर नहीं पता लगा ना क्या मैं हुआ? तुम्हें देखो सच, बोल, सच, बोल, सच बोल रही हूँ भगवान बोलू? की कसम मेरे चार बच्चे हैं मैं सच में कह रही हूँ मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही आई स्वेयर मुझे नहीं पता मेरी शादी कैसे जब मेरी शादी हो गई तो मुझे लगा यार शिट यार शादी हो गई मैं क्या करूँ मैंने सोचा मैं क्या करूं हमने बहुत ट्राई कर देखो यार बहुत ज्यादा योर रिएक्शन वही तो कुछ मुझे भी कुछ पता ही नहीं लगा ये क्या हो गया मैं पायल की जगह होती ना मुझे भी बुरा लगता किसी को भी, भी बुरा लगता मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग यहाँ पे बैठी हो तुम सोचो यार कृतिका को कुछ बोलेंगे तो उसे बुरा लगेगा नहीं अगर मैं पायल की जगह होती ना मुझे भी बुरा लगता हमने ट्राई किया पायल ने ट्राई किया रिश्ता तोड़ने का मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी एक छोटी सी फैमिली को बर्बाद मतलब कर दिया इन एक शॉर्ट बोर्ड में बोले कि चीकू के पापा और पायल की लाइफ में आके मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती पीछे पीछे मुड़ा मैं मैं कोशिश करी कि मैं नहीं लोगों को लगता है ना कि हाँ यार रिश्ता ऐसा है बट नहीं हम तीनों ने एक दूसरे को खोया मैं इतनी हुई थी तुम तो क्या हो मैं चीकू के कपड़े पहन से चीकू के कपड़े पहनती थी इतनी बतली इतनी पतली हो गई थी लाइक फोर्टी एक झटका जैसे बहुत फिर बिग डील हाउ डिड यू जब वापस जब जब, जब जब इवन मेरे हस्बैंड है ना हमने अभी वापस? ये बात करते हैं ना मम्मी ने मम्मी ने, ने तुमसे पहले मतलब किसी को देखा होगा मैं उससे चौबीस घंटे बात नहीं करती हूँ वो बस वो एक वर्ड बोलता है कि चंद्रिका मेरे देखो मेरे देखो उसको देखा था उसको देखा था ये देखा था तो मतलब

छोड़ो ना, ना वो चीजें मेरे को बहुत दोनों अच्छे रहेगा दोनो अभी अभी तुम अच्छे से रहो बस करो अपना अच्छा, हैप्पी चीज